नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टे क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बिहार दरोगा बहाली 2023 टोटल वैकेंसी 5000 प्लस पदों पर यह वैकेंसी निकल के आ रही है। जैसे कि देख लीजिए इधर आप पेपर कट देख रहे हैं, जानिए कब से शुरू होगा आवेदन और 2023 में बिहार दरोगा न्यू बहाली में क्या क्या चेंज किया गया है। इस वीडियो में रामांशु सर से हम लोग जानेंगे जो बिहार दरोगा कितने पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है और यह वैकेंसी कब आ रही है, 2023 में बिहार दरोगा बहाली में क्या क्या चेंज किया गया है, सारी जानकारी वन बाय वन करके रामांशु सर से हम लोग जानते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रामांशु सर से जानते हैं जो बिहार दरोगा कितने पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है और कब आ रही है। आप वीडियो में बने रहिए और रामांशु सर के वीडियो को देखिए ध्यान से। सर आप एग्जैक्ट बता देते हैं, पता ना कहाँ से क्या है कैसे है, दरोगा की वैकेंसी कब तक आएगी सर? नहीं मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा भाई, मैं ना बताने का एग्जैक्ट दे देता हूँ, आने का नहीं देता हूँ, ऐसा नहीं। कारण क्या है, देखिए क्योंकि मैं प्रशासन में काम किया हूँ तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ों को सचिवालय में देखा है, तो मैं उस अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जैसे पुलिस की वैकेंसी इतनी बड़ी आ गई, 21,000 करीब आ गई, लेकिन पुलिस की भर्ती से काम नहीं चलने वाला, अभी दरोगा की बहुत तगड़ी वैकेंसी आनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि 183 दरोगा होने चाहिए, मतलब पुलिस वाले जो होने चाहिए, लेकिन जो है 86 ही हैं, तो बाकी सब पुलिस कहाँ से आएंगे, दूसरी भर्ती आप ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दरोगाओं की भर्ती इसलिए लेनी है कि एक तो जो है मद्य निषेध में, फिर आप कह रहे हैं कि जो है नदी वाले बनाएंगे, खनन विभाग कह रहे हैं वो बनाएंगे, तो इस तरह के कई जो है आप जो साइबर सेल बना रहे हैं और उसके लिए आपने काम शुरू भी कर दिया है, थाने का अपग्रेडेशन भी शुरू हो गया है, जीप खरीदने की बात हो रही है, बंदूक खरीदने की बात हो रही है, तो जब ये खरीदेंगे तो इसका यूज़ कौन करेगा, इसको यूज़ करने वाला भी तो होना चाहिए। तो इसलिए मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि, और मुझे विश्वास है, मैं रिक्वेस्ट किया, मैं बहुत विश्वास है कि जिस प्रकार ये पुलिस की वैकेंसी निकली है ना, बहुत ही जल्दी लगभग 2000 से लेकर 2500 के बीच में दरोगा की वैकेंसी निकलेगी ही निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। जो 1288 की आप लोगों ने कहानी सुना रखी है ना, वो 1288 उनके मुंह से निकला, कोई 1288 को एग्जैक्ट नहीं होता कि हम कसम खा रखे हैं ब्रह्मा ने बना के भेजा है 1288 के लकी रहता नहीं होता, क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो वास्तव में पुलिस की बहुत कमी है। आज भी ये भर्ती लगातार जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है भाई, और ये भी जनसंख्या का अनुपात आप कौन सा ले रहे हैं, 2011 से पहले का ले रहे हैं, 11 वाला ले ले तो उसी से काम हो जाए, 11 वाला भी नहीं ले रहे हैं आप, 1991 और जो है 2001 के पहले का जनसंख्या ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो बहुत ही कम है। और आप जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार क्राइम वगैरह सब होता रहा है, जिस प्रकार बहुत नए प्रकार की चीजें हो रही है, उसमें नए स्मार्ट लड़के चाहिए, तो उसके भर्ती के लिए सरकार को प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और बेचारे बच्चे जो है पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, कम से कम उनकी भावनाओं का ख्याल रखिए, वो बेचारे जो है दौड़ दौड़ के अपना शरीर सुखा दिए हैं सब, और पढ़ पढ़ के उन्होंने कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ना ही कोई टीचर बोल रहा है और ना ही कोई जो है उनका समर्थक बोल रहा है कि टीचर वैकेंसी आनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और जो भी भर्ती आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों के इस डिमांड को देखा जाए और जल्द से जल्दी जून में नहीं तो कम से कम जुलाई में ही दरोगा की वैकेंसी जरूर निकाली जाए, और कम से कम 2 से 2500 के बीच में, ताकि लड़कों को सर्टिफिकेशन मिल सके और उसमें किसी भी प्रकार की कोई चोरी धांधली ना हो, ईमानदारी से हो, यही मेरा। सर जो भी दरोगा अभ्यर्थी सुन लिए दोस्तों, रामांशु सर ने क्या बोले, जो बिहार दरोगा वैकेंसी कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी रामांशु सर इस वीडियो में बता दिए और आप सुन भी लिए। तो दोस्तों जून के लास्ट में अगर वैकेंसी नहीं आती है तो जुलाई में हर हाल में आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और बोले हैं 2500 से लगभग 5000 के बीच में आपको तो बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, बोले हैं 1288 वह कसम नहीं खाए हैं, वह सिर्फ उनके मुंह से निकल गया है। तो दोस्तों जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हर हाल में बिहार दरोगा की वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, इसलिए जो तैयारी कर रहे हैं तैयारी में लगे रही है, क्योंकि वैकेंसी बहुत तगड़ी आ रही है, कोई नहीं जानता था बिहार पुलिस में इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी जो कि आ गई। उसी तरीका से कोई बोल रहा है 1288 पदों पर वैकेंसी आएगी बिहार दरोगा के, तो गलत कह रहा है। तो दोस्तों यह भी वैकेंसी बहुत तगड़ी आएगी और बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, इसलिए तैयारी नहीं करें, तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर शेयर कर लिए, जैसे ही बिहार दरोगा वैकेंसी के बारे में पल पल का अपडेट चैनल पर देते रहते हैं, कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। अब आपके मन में जो भी सवाल होगा बिहार दरोगा वैकेंसी की रिगार्डिंग, सारे के सारे डाउट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। थैंक यू।